कल खुर्जा नगर पालिका की बोर्ड बैठक में हुए हंगामे ने एक और नया मोड़ ले लिया है। अब इस मामले में खुर्जा की वर्तमान चेयरमैन परवीन फड्डा द्वारा सभासदों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस ने चेयरमैन की शिकायत के आधार पर 5 सभासदों पर FIR दर्ज की है। चेयरमैन द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार कल बोर्ड मीटिंग में जब बजट को पढ़कर सुनाया जा रहा था, उसी दौरान एक सभासद ने विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद बैठक में मौजूद 20 और सभासदों ने इस बजट का विरोध किया और हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बाद चेयरमैन ने बैठक स्थगित कर दी। सफाई कर्मचारियों से बात चल रही है, वो मना कर रहे हैं अभी सफाई की नहीं, और देखते हैं अभी कह रहे हैं अभी आपस में बात करके फिर उसके बाद में जवाब देंगे। क्या आला अधिकारियों से कोई बात हुई अरेस्टिंग के लिए अभी? हाँ, हुई थी, नियो साहब की हुई थी अभी। तो वो कह रहे हैं अभी हमने उनके ऊपर दबिश डाली है और उसके बाद में और देखते हैं अभी कोई अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई नहीं। चेयरमैन का आरोप है कि जब वह बाहर निकली तो बाहर मौजूद कुछ सभासद और उनके साथ अन्य लोगों ने उनके पति रफीक फड्डा से अभद्रता की और भुगत लेने की धमकी भी दी। देखिए, मेरे सफाई कर्मचारी सारे इनके सुपरवाइजर हमारे बैठे हैं, इनसे मैंने बुलाया था इसीलिए कि इस संबंध में वार्ता कर लें, क्योंकि इसमें बरसात का मौसम है और बीमारियां फैलने की ज़्यादा आशंका, कोविड चल ही रहा, इसलिए मैं इनको बुलाया कि इनसे बैठ करके सहानुभूतिपूर्वक वार्ता कर लीजिए। वार्ता के बाद जो निर्णय होगा कर्मचारी अपने सफाई के लिए जाएंगे। इस संबंध में मैंने इनका कहना यह है कि उनको जो हमारी FIR हुई तो उनको जो है गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इस संबंध में मैंने कोतवाल जी से बात की, उन्होंने कहा कि मैंने रात भी दबिश की है और मैं उस पर पूरी कार्रवाई करूंगा, इतनी धाराएं लगी हैं कि वो बच नहीं पाएंगे, उनको जो है नहीं होगा, मैं जिला बदर करूंगा। इसलिए मैं इनको समझा रहा हूं कि आप लोग देख लीजिए और अपने अपने काम पर लौट जाइए, मेरा यही है। क्या मरने के लिए तैयार हैं सर वो लोग? अभी इनकी बात वो है कि उनको अरेस्ट किया जाए, अभी संबंध में फिर वार्ता करते हैं, अगर इनका क्या विचार होता है उसके बाद फिर मैं निर्णय लूंगा। जिसके बाद सभासदों और चेयरमैन पति के बीच तूतुमेमे और गाली गलौज शुरू हो गई। आरोप है कि बीच बचाव में आए नगरपालिका के अन्य कर्मचारी गण को भी जाति सूचक शब्द और अभद्रता कर सभासदों द्वारा अपमानित किया गया। हमारी हड़ताल तो खुलने का शब्द ही नहीं, अब ये हड़ताल तो तभी खुलेगी जब ये लोग अरेस्ट होंगे और उसके बावजूद ही ये हड़ताल खोली जाएगी। सारे कर्मचारियों में, वाल्मीकि समाज में इस चीज़ का बहुत रोष है, कई बार हुआ है, वाल्मीकि समाज के मान सम्मान को ठेस पहुँचाई जाती है। पहली बार पूरा वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी एकत्रित हुआ है, सब लोग संगठित हैं और इनकी एक ही मांग है कि ये जो 4-5 लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से बोर्ड मीटिंग में हमें निकाल के बाहर भगाने का कार्य किया गया है, हम लोगों के संग अब शब्द बोले गए हैं। सफाई नायक के पद पर कार्यरत हैं और यूनियन के संरक्षक हैं। राकेश जी, पूरे शहर में सफाई आपने हड़ताल कर दी है, क्या है पूरा मामला और क्या चाहते हैं आप लोग? बस समाज की और हम तो अपनी इज्जत चाहते हैं, हमें आज तक दिया क्या है समाज ने, हमें सिर्फ गालियाँ दी हैं, बदकार का बेइज्जत किया है। कल भी बोर्ड की मीटिंग में सभासदों ने सबके सामने वाल्मीकि समाज को गाली दी है, उनको घर से वहाँ बोर्ड की मीटिंग से बाहर निकाल दिया। हमने आज चेयरमैन साहब से वार्ता की, हमारे पास नोटिस आया, बात करी, हमने उनसे यही कहा है कि ये हमारी मांग है, इनको गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने हमारे समाज को गालियाँ दी हैं, बुरा बोला है। इसका विषय ये है कि कल 17 तारीख को बोर्ड जलकम कंपाउंड में बोर्ड बैठक हुई, उसमें सफाई कर्मचारी जो अपने कार्य पर हम कर रहे थे और जब उपद्रव देख के बोर्ड का और चेयरमैन के बीच में इनका बीच बिचाव किया तो उन लोगों ने हम ही लोगों से जाति सूचक शब्द करके कह दिया कि आप लोग काम लोगों ने मेंबर लोगों ने जिनके लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कराया, उन्होंने हमारे समाज के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया और हमें धमकी दी कि तुम्हें हम जब कार्य करने आओगे तो वहाँ देखेंगे और तुम्हें किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिसकी शिकायत खुर्जा नगर पुलिस को दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 5 सभासदों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। आपको बता दें, कल बोर्ड मीटिंग के बाद इसी हंगामे के मामले में सभासदों की शिकायत पर खुर्जा चेयरमैन और उनके पति पर भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।